करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है। देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का तीन चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, दो विधानसभा के, एक लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। ऐसा करनाल से आपने चुनाव लड़ा, आप सीएम बने, नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा वो सीएम बने, और अब जगमोहन आनंद की बात बाकी जिलों में। देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरातफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता? मुझे पूरा पता है, पूरी अफरातफरी मची है। सर, सर आप कोशिश कर रहे थे सर हुड्डा जी के बीच में जो तनाव, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल दो नेताओं का नहीं, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयराम गयराम की जो लुकोक्ति है, उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जो पता लगेगा आपको। मामा भांजी का प्यार खत्म हो जाएगा। इस बार के चुनाव में बहुत, जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां घड़ी हुई है इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा। 5 करोड़ रुपए की हीरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से हमने कह दी है, हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं जैसे पहले करते थे। वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे, लेकिन पहली अगली बात यह है कि ना नोमर तेल होगा ना राधा बाचेगी। सर, पिछली बार 41 सीट थी, इस बार बीजेपी कितनी सीट लेकर आ रही है? मैं समझता हूं सर, हो गया जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी, और मैं समझता हूं 50 से ज्यादा सीटें।